यदि आप भी पावर एम म्यूजिक प्लेयर यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप रात में सोते टाइम पावर एम में सॉन्ग सुनते हो और सॉन्ग्स पूरी रात चलते ही रहते हैं और आप चाहते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद ये सॉन्ग्स ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको पावर एम ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये टाइमर वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लाइड करने का ऑप्शन आ गया है। अभी आपको यहाँ पर टाइम सेट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी टाइम सेट करना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको 120 मिनट का देखने को मिल जाता है और नॉर्मली सभी इतना ही सॉन्ग सुनते हैं, कोई इससे ज्यादा सॉन्ग नहीं सुनता। टाइम सेट करने के बाद आपको यहाँ पर ये छोटा सा ऑप्शन और दिखाई देगा, प्ले लास्ट सॉन्ग टू एंड। इसका मतलब है कि यदि आप इसे क्लिक करके ऑन कर लेते हैं तो जो भी आपका लास्ट सॉन्ग होगा वो पूरा हो जाने के बाद ही आपके सॉन्ग चलना बंद हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टाइमर वाला ऑप्शन था ये हाईलाइट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आपके जो पावर म्यूजिक प्लेयर में टाइम सेट हो चुका है। तो अभी आप जब भी रात में सॉन्ग प्ले करके सोएंगे तो आपके जितने भी टाइमर आपने लगाए उस हिसाब से ये उतने टाइम बाद ही बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी? आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।